सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाड़ में जाओ, मैं तुम लोग से यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ। समझ में आया ना? समझ में आया? मेरे को चाटने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस 13 सहित कई रियलिटी शोज जीतने वाले सिद्धार्थ शुक्ला आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को मुंबई में 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आने के बाद मुंबई के कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर मुंबई पुलिस ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उनकी मौत कैसे हुई, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस ने कहा है कि वो उनके करीबी और परिवार के लोगों का भी जल्द बयान दर्ज करेगी। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने ये भी कहा कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। जांच के लिए पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर मौजूद है। पुलिस ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत संदिग्ध नहीं है। फिलहाल परिवार और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को सुबह एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लगभग 11 बजे कूपर अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि जब तक पोस्टमार्टम पूरा नहीं कर लेते तब तक हम उनकी मौत के कारणों की पुष्टि नहीं कर पाएंगे।